कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, मानी एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए, खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर ये तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें हम 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। सामान्य रूप से आप देखेंगे तो 1 मरले में ही घर बन जाता है, लेकिन प्रशासन ये मानता है और मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए, और इस दृष्टि से बड़ी उदारता पूर्वक हम लोगों ने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे, ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए कर सके, ये एक मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है। अभी 2711 ऐसे इतने परिवारों को जो कि लैंडलेस थे उनको प्रशासन ने जमीन दी है, और आगे भी जो हमारी सूची है PMAY के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं जिनके पास भी आवास नहीं, जैसे जैसे भारत सरकार से आवास आता जाएगा वैसे उनको जमीन देकर के हम उपलब्ध कराएंगे। आप में से अनेक लोगों को मालूम है इसी वर्ष मई में भारत सरकार ने PMAY में लगभग 1,99,000 PMAY में अतिरिक्त मकान दिए थे, तो जो वेटिंग लिस्ट हमारी है उसको कैसे सैचुरेट किया जाए, इस दृष्टि से यहाँ के प्रशासन ने प्रयास किया था और भारत सरकार ने उदारता पूर्वक ये आवास दिए थे। अब इसकी सैंक्शन तारीख 30 जून थी और इसे जल्दी से जल्दी 2024 से 30 मार्च तक बनाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। 1,44,000 प्रधानमंत्री आवास हमने 30 जून तक सैंक्शन किए हैं, जो बचे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी 50,000 स्वीकृति प्रदान करेंगे। आदमी का अपना मकान हो जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि सभी के पास आवास हो, ये हम संतृप्त करने जा रहे हैं, सैचुरेट करने जा रहे हैं। जो कठिनाई थी लैंडलेस लोगों की वो कठिनाई हमने दूर कर दी है और वो लैंड ओनर भी हो जाएंगे, हाउस ओनर भी हो जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कदम है कि केवल घर उनको नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है कि उनके जीवन में आमूलचूल बदलाव आ रहा है, और एक गरीब आदमी से जिंदगी इस तरह से वो बदल सकती है, इसीलिए प्रशासन ने एक पहल की है और अपना घर होने के बाद निश्चित रूप से लोगों के सपने जन्म लेते हैं, आकांक्षाएं जन्म लेती हैं, और मैंने देखा है अपने 30-35 वर्ष के सामाजिक जीवन में कि गरीब व्यक्ति का जब मकान बनता है तब वो ये सोचना शुरू करता है कि कैसे अब मैं नया रोजगार करूं, अपने बच्चे को कैसे मैं स्कूल में पढ़ाऊं, और मुझे लगता है कि किसी गरीब परिवार के सर पर छत आते ही एक तरक्की का नया संकल्प शुरू होता है, और ये जो 2711 परिवारों को जमीन देकर छत देने का इंतजाम प्रशासन ने किया है, मुझे लगता है केवल दरवाजे खिड़कियां नहीं बन रही है बल्कि जीवन में नए सपने पूरा करने का उन्हें अवसर दिया है। मैं ऐसे सभी फैमिलीज को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जो बचे हुए भूमिहीन हैं और जो पात्र हैं उनकी भी
आकांक्षाएं पूरी हो इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वंचित वर्गों के लिए योजनाओं की बात यहां काफी होती थी, लेकिन जमीन पर आप लोग जानते हैं कम उतरती थी। अब ऑनलाइन सिस्टम में और डीबीटी के कारण ऐसी व्यवस्था बन गई है कि उसका एक एक पाई उस गरीब व्यक्ति तक जाएगा और एक समावेशी विकास मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के सामान्य व्यक्ति का होगा। पिछले 3.5-4 वर्षों में सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता की व्यवस्था कायम करने में हमें सफलता मिली है। और मैं एक बात जोर देकर के कहना चाहता हूं कि हमारी नीति और नियत इस दोनों में कोई भेद नहीं है। नीति भी हमारी यही है कि गरीब आदमी को मदद की जाए और नियत भी यही है और हर कदम हर फैसला गरीब आदमी को केंद्र बिंदु में रख करके किया जाता है। और मुझे लगता है कि वो लोग अब हाथ फैलाने के बजाय जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दें, ये हम सबके लिए खुशी की बात होगी। अनेक जिंदगियों में इसके कारण परिवर्तन आएगा। मुझे लगता है कि मुख्य विषय यही था, आप लोगों को धन्यवाद देना और एक महत्वपूर्ण ये निर्णय हम लोगों ने किया था। तो 2 लाइन करके मैं बात खत्म करूंगा, फिर आप लोगों को सौंप दूंगा। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, हमने भी सोकर देखा है नए पुराने शहरों में, जैसा भी है अपने घर का बिस्तर बहुत ही अच्छा लगता है, अपने घर का बिस्तर बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। इस दृष्टि से मैं देखता नहीं, वो कश्मीर का हो या जम्मू का हो, जिसके पास जमीन नहीं उसको जमीन दी जाएगी। उसमें सर रिफ्यूजीज भी आ रहे हैं जो पीओके के थे उनके पास, कोई मैंने केवल एक क्राइटेरिया है, वो एलिजिबल हो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, जमीन नहीं है तो जमीन सरकार देगी, दैट्स ऑल। नो रिलीजन नो बार, भूमिहीन यही क्राइटेरिया है और एलिजिबिलिटी ऑफ पीएमए। दूसरी सर महत्वपूर्ण बात, अमरनाथ यात्रा चल रही है सफलता से, 3रा दिन है आज, काफी आपकी बार जो है इम्प्रूवमेंट की गई है वो दिखता भी है और उसका विवरण भी पॉसिबल है। लेकिन सर जो हमारी मीडिया की शिकायत है सबसे बड़ी ये है कि पिछले कुछ सालों के दौरान एक हवा सी बनी है जहां मीडिया को बिल्कुल ही जैसे कि वो दुश्मन है यात्रा के, उनको न अलाउ किया जाता है ट्रैक्स पे जाने की, न गुफा में जाने की एंट्री है, यहां तक कि सोनमर्ग से ही बालटल के रास्ते से रोका जाता है। ऐसे लगता है जैसे कोई डर है कि कोई मीडिया में नेगेटिव खबर तो करता नहीं है, नेशनल मीडिया में अगर सब पॉजिटिव खबर करते हैं तो मीडिया पर इतनी बंदिशें क्यों है? नहीं, मीडिया पर कोई बंदिश नहीं है, जिसको दर्शन करना है बिना माइक के चले दर्शन करे उसका स्वागत है, उसको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। और अगर आप चलेंगे तो मैं खुद आपको लेके चलूंगा आपकी सूचना के लिए। कल 10,467 लोगों ने दर्शन किए थे, आज 11 बजे तक 6,801 ये संख्या है दर्शनार्थियों की। मुझे लगता है कि उस ट्रैक को इस बार काफी बेहतर बनाने में हमें सफलता मिली और बीआरओ ने बड़ा ही सराहनीय काम किया है। जहां जहां गुंजाइश थी वहां विड्थ भी बढ़ाई गई है, सेफ्टी रेलिंग्स भी वहां लगाई गई है और मजबूत सेफ्टी रेलिंग्स लगाई गई। स्वच्छता को लेकर के भी हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, श्राइन बोर्ड या पूरा प्रशासन ही लगा हुआ है। 4,000 लोग साफ सफाई रेस इसके लिए लगाए गए हैं और मुझे लगता है कि जो फीडबैक कल हमने लिया था, चाहे वो सफाई हो, टेंट हो, दर्शन की सुविधा हो, 92, 94, 98% फीडबैक सेटिस्फेक्शन का लेवल है। एक काउंट पर हम थोड़ा लैग कर रहे हैं, वो ट्रैफिक, वो 78% था। कोशिश हम लोग पूरी मेहनत से ईमानदारी से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में वो भी हम 90 क्रॉस कर जाएंगे। इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए। हम लोगों ने अपने आईजी ट्रैफिक को कहा है कि एक शेड्यूल बना करके ट्रैफिक का जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में कैसे मूवमेंट है,
इसको कब जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गैर जानकारी के अभाव में जैसे आरोपी लग गए। अब यात्री बाहर से आया है, दूसरे प्रदेश से आया, उसको नहीं मालूम है, वो चला आता है, तो स्वाभाविक रूप से फोर्सेस के लोग उसे रोकते हैं। तो ये दो तीन दिन हम लोग इसका व्यापक प्रचार करेंगे, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि जब ये बातें आती हैं ट्रैफिक के लोग आपको बताएं, तो कृपा करके इसे पॉपुलराइज करिए, चाहे वो स्थानीय लोग हों उनके लिए भी और बाहर के लोगों को भी जितनी जानकारी हो जाएगी। मैं जानता हूं कि 90% लोग कानून का वायलेशन नहीं करते हैं, 10% लोग हैं उनका कुछ इलाज खुदा दिया के पास ही, हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा आप लोग इसमें सहयोग करें। एनीबॉडी एल्स? जी हरजी साहब, इस साल एक डेमोलिशन ड्राइव चली थी, उसमें बाद में कहा गया था कि एक सिंपैथेटिक व्यू लिया जाएगा जिनके पास ज्यादा जमीनें नहीं है, उसके बारे में कोई फैसला हुआ है? देखिए, मैं जब चली थी तब भी मैंने कहा था किसी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, और मुझे खुशी इस बात की है एक या दो एवरेशन हुए थे, उसको शाम तक उन्होंने कर दिया था, किसी भी गरीब और कमजोर व्यक्ति को नहीं छुआ गया। अब यह है कि हम समर्थ हैं, हमारे पास अपना भी है और सरकार की जमीन भी दखल की है, तो मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि सरकार का या प्रशासन का मूल मंत्र यही होना चाहिए कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए। गरीब अगर आदमी है, मध्यम वर्ग की है, तो जरूर सिंपैथेटिक व्यू लिया जाएगा, और कानून के दायरे में जो संभव होगा वो जरूर मदद की जाएगी। सर, नवीन एक्सप्रेस, टू थिंग्स, वन, इज दिस जस्ट टू क्लैरिफाई, इज दिस गवर्नमेंट लैंड दैट इज बीइंग मेड अवेलेबल टू लैंडलेस पीपल, एंड टू, इज देयर अ लैंड बैंक इन वन प्लेस और इज दिस बीइंग मेड अवेलेबल इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जिसको जहां जरूरत है? आप इस तरह समझिए कि अब किसी पंचायत का या किसी गांव का व्यक्ति है, तो उसको तो वही आवास बनाना होगा ना। तो सामान्य तौर पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गांव या ऐसी कोई पंचायत होगी जहां सरकारी भूमि हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो जो लोग जहां के रहने वाले वहीं उन्हें भूमि दी जाएगी। क्योंकि अब अनंतनाग के किसी पंचायत के व्यक्ति को अगर हम ले जाकर के साबा में जमीन देंगे, तब तो हम उसके साथ और अनर्थ करने वाले। सर, पिछले कुछ सालों से हालात काफी बदले हैं, आज हम टूरिज्म का बूम देख रहे हैं, ऐसा वक्त भी हमने देखा था जब हर दिन कोई इंसिडेंट होता था, तो हालात बदले हैं, आम इंसान भी रिलीफ जो है देख रहा है, लेकिन वो एहसास दिलाना कि नॉर्मलसी हुई है, 30 सालों का एक साइकी डेंट हुआ है, वो एहसास दिलाना, सर उसके लिए आप क्या करें? क्योंकि अभी जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, कुछ सिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं ऑब्वियसली थ्रेट बेस्ड होते हैं, लेकिन आम इंसान, यात्री और उसके साथ साथ अगर टूरिस्ट करें परेशान है, क्योंकि दो बड़े टूरिज्म के रूट हैं सोनमर्ग और पहलगाम, तो उसको बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात सर, जो वीआईपी मूवमेंट होती है सिटी में, आप देखें सायरन बज रहे होते हैं, मतलब पुलिस वाले रॉन्ग साइड कभी कभी निकल जाते हैं, तो वो भी एक एहसास है, लोग जानना चाहते हैं कि उसमें चेंज करने के लिए क्या करिए सरकार, क्योंकि 30 साल की वादें हैं उसको बदलने के लिए क्या करें, ताकि लोग भी जाने की नॉर्मलसी हुई उसको फील करें, अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाए। थैंक यू। मुझे लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं काफी लोग फील करना शुरू कर दिए हैं, जो कुछ गुंजाइश बची उसे भी ठीक किया जाएगा। ये वीआईपी मूवमेंट भी सामान्य व्यक्ति की तरह कुछ तो ऐसे हालात रहते हैं जिसमें कि सुरक्षा की दृष्टि से कुछ इंतजाम करने पड़ते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट आ रहा है इस यात्रा के दौरान या स्थानीय जो नागरिक या बिजनेस करने वाले लोग, उनको कोई असुविधा नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। और इसकी कोशिश मैंने पहले ही कहा कि ट्रैफिक के काउंट पर वो मैं उम्मीद करता हूँ कल से आज बेहतर हुआ है और 2 दिन में पूरी तरह सामान्य हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि सबके लिए समय सीमा निर्धारित करनी होगी ताकि किसी को कोई असुविधा न हो, और आपसे इसीलिए मैंने अनुरोध किया कि आप लोग भी इसको थोड़ा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। और मुझे लगता है कि जो पहले ही मैंने जिक्र किया कि अब देश के बड़े बड़े इवेंट श्रीनगर में हो रहे हैं, ये खुद इस बात को इंडिकेट करते हैं कि यहीं के लोग नहीं, देश भी मानने लगा है कि अब यहाँ स्थिति सामान्य हो रही है, सामान्य हो गई है, और मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर के इसे और सामान्य करें ताकि यहाँ समृद्धि आवे, संपन्नता आवे, रोजगार के साधन बढ़े। ये बड़ा आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसके सपने और उसकी आकांक्षाएं पूरी तरह से बदल गई, और वो उस तरह से जीना नहीं चाहते हैं जिस तरह से मुझे लगता है कि
लोगों ने हर दर्द भरी रातें गुजारी हैं, उस तरह की जिंदगी अब नौजवान जीना नहीं चाहता है। तो हम सब मिलकर के चाहेंगे तो जरूर ऐसी स्थिति बने।